तो हाँ, सुनने में आया है मार्केट में एक नई ऐप लॉन्च हुई है और आप अपनी वीडियो एडिटिंग वीएन और कैपकट जैसी ऐप से करते हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब ने खुद का एक एडिटर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यूट्यूब क्रिएट। तो देखते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए कैसी है ये ऐप। सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है यूट्यूब क्रिएट। सो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद में आपको प्लस वाला आइकन शो हो जाएगा, तो आपको प्लस वाला आइकन पे ओके करना है और अपनी वीडियो को इसमें ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको अपनी वीडियो को इसमें ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है, तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो रही है अभी। सो यहाँ पे आपको इसको 100% होने देना है। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो ऐड हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट का, और ये ऑप्शन आपको हर वीडियो एडिटिंग ऐप में मिल जाएगा। और स्प्लिट का यूज वीडियो में से बेकार पार्ट को हटाने के लिए किया जाता है। देन आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है, तो ये डिलीट कर देगा पार्ट को। तो स्प्लिट का यूज इस तरीके से किया जाता है। सो स्प्लिट का तो ऑप्शन मैंने बता दिया। उसके बाद आता है फिल्टर, तो इसमें बहुत सारे फिल्टर है, तो आप यूज करके जरूर से देखना किस टाइप के इसमें फिल्टर है। तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ फिल्टर। तो आपको कलर ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे इसकी ओपेक्सिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो आप इस तरीके से। देन बात करते हैं इफेक्ट की, तो इफेक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इनमें से भी आप यूज करके जरूर से देखना। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है कटआउट का, तो आप किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे फोटो या वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो आप। तो इसने वीडियो को बैकग्राउंड तो रिमूव कर दिया है, लेकिन इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्क करने में। तो ये अभी वीटा वर्जन है इस एडिटिंग ऐप का। उसके बाद आता है एडजस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कस्टम विग्नेट वगैरह ऐड कर सकते हो और शार्पनेस को भी बढ़ा सकते हो वीडियो की। तो ये बेसिक चीजें है जो आपको दूसरे एडिटिंग ऐप में भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है स्पीड का ऑप्शन, तो स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। इस तरह के मोशन बैकग्राउंड आपने यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको मोशन बैकग्राउंड को इसमें ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को इसमें ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, वापस से ओवरले वाले ऑप्शन पे ओके करना है और अपनी वीडियो को इसमें ऐड कर देना है। सो ये इजिली ऐड हो जाएगी इसमें, तो इसको कन्वर्ट होने देते हैं थोड़ा। सो इसके साइज को बढ़ा लेते हैं अपन। सो यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है अपनी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है और टेक्स्ट इफेक्ट पे ओके कर देना है और इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो आपको टाइप कर लेना है टेक्स्ट को, टाइप करने के बाद में इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से ऐड कर लेना है। सो इसमें आप एनिमेशन वगैरह देना चाहते हो तो आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है। सो इसने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में आपको टेक्स्ट का काम तो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे ओके करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे आपको। तो आपको अपना नेट ऑन रखना है और यहाँ पे किसी भी स्टिकर को सर्च कर लेना है। मान लीजिए मैं सब्सक्राइब को इसमें सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सब्सक्राइब आ जाएंगे बहुत सारे, तो इनमें से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इसमें एनिमेशन वगैरह लगा देता हूँ। सो ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। सो इसमें वॉइस ओवर का ऑप्शन भी है, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो इसमें। जहाँ पे भी आपको बीच में वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसमें रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर सकते हो, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। सो इस ऐप में आप नॉइस को भी रिमूव कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, अपनी ऑडियो वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में सो यहाँ पे आपको स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद में आपके पास ऑडियो क्लीन अप का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आपकी ऑडियो को क्लीन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एक क्लिक में आपकी बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देगा। सो इसने बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर दिया है। तो बात करते हैं इस ऐप के एक्स्ट्रा फीचर की। सो इसमें आप फ्री में कैप्शन को जनरेट कर सकते हो बिना किसी ऐप को डाउनलोड करे हुए। तो आपको क्या करना है, कैप्शन वाले ऑप्शन पे ओके करना है और यहाँ पर आपको ऑल वीडियोस पे ओके कर देना है और देन आपको नीचे जिस भी लैंग्वेज में आपको कैप्शन को जनरेट करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जनरेट पे ओके कर देना है, तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। सो यहाँ पे इसने कैप्शन को जनरेट कर दिया है। सो इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। देन इसके स्टाइल पे ओके करते हैं और यहाँ पे आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप कलर कोई सा भी रख लेना, बैकग्राउंड को आप इस तरीके से कर सकते हो चेंज। सो यहाँ पे अपन ब्लैक करते हैं उसको। सो यहाँ पे डन कर देता हूँ मैं। स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आउटलाइन भी दे सकते हो आप इस तरीके से, शेडो को भी आप ऐड कर सकते हो। सो फोन का साइज भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कैप्शन को सुना देता हूँ आपको किस तरीके से इसने जनरेट किए।
क्या आप भी अपनी आवाज को ऐसे चेंज करना चाहते हैं? कैप्शन को जनरेट कर दिया है, सो इसने काफी अच्छे से कैप्शन को जनरेट किया है। तो बात करते हैं वीडियो के एक्सपोर्ट की, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, तो उस पर ओके करना है। सो यहाँ पे आपको 2 क्वालिटी मिल जाएगी, 180p और 720 पिक्सल पे। तो यहाँ पे मैं 180p रख लेता हूँ। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले बटन पे ओके करोगे तो ये आपकी वीडियो को गैलरी में सेव कर देगा। सो अपनी वीडियो को आप यूट्यूब पे यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। और ऐसी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।